नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे AEPS के बारे में, जिसमें जो है दोस्तों कि यहाँ पे 80 रुपये का आपको कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10,000 का विड्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पे 80 रुपया का कमीशन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कौन सा पोर्टल है जहाँ पे जो है कि 80 रुपये का यहाँ पे कमीशन मिलने वाला है। दोस्तों अभी तक जो है कि 7 रुपया, 8 रुपया या 10 रुपया, इससे ज्यादा कहीं पे आपको कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको 80 रुपये का कमीशन मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं, AEPS का काम करना चाहते हैं, तो हमारे पूरे वीडियो के साथ बने रहें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक टेक्निकल टिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन सा कंपनी है जहां पे है कि हमें 80 रुपये का जो है कि कमीशन मिलने वाला है, और उसमें कौन कौन से पैनल हैं, और वहां पे क्या हमारा रिटेल आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, इस सारे का प्राइस क्या होने वाला है, और आपका आईडी ये कहां से मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पे और वहां पे देखते हैं कि कैसे हमें वहां पे AEPS करना है। और दोस्तों उससे बड़ी बात आपको बता दूं कि यहां पे एक ही पोर्टल पे जो है कि आपको 3 बैंकों का AEPS मिलेगा, यानी 3 बैंक का आपका AEPS मिलेगा। तो वो भी हमें देखना जरूरी है कि कौन कौन सा बैंक हमें यहां पे AEPS मिलता है। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि मैं अपने कंप्यूटर डिस्प्ले पे आ गया हूं, जहां पे आप प्रिंस पे पॉइंट कंपनी का नाम है, पोर्टल का नाम है, जहां पे आप प्रिंस पे पॉइंट, हाँ दोस्तों इस पोर्टल पे जो है कि आपको यहाँ पे 3 बैंकों का AEPS मिलेगा, और यहाँ पे जो है कि आपको 80 रुपये तक का कमीशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन सा बैंक का यहाँ पे AEPS मिलने वाला है, और कमीशन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि यहाँ पे जो है कि AEPS ऑप्शन आपको मिल जाता है देखने को। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे AEPS पैनल का देखने ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे AEPS पैनल पर चले जाते हैं, और AEPS पैनल पर जाने के बाद दोस्तों हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है कि कौन सा बैंक, तो आप यहाँ पे 3 बैंक देख पा रहे होंगे, ICICI बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, और जो है दोस्तों कि आपको यहां पे यस बैंक भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यहां पे आपको 3 बैंकों का AEPS देखने को मिल जाएगा, जहां से दोस्तों आपको यहां पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो ICICI बैंक AEPS बैलेंस इंक्वायरी, बैलेंस विड्रोवल, और फिनोपेंट बैलेंस इंक्वायरी विड्रोवल, दोनों का अलग अलग यहां पे मेनू है। तो इस तरह से जो है कि आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम जो है कि यहां पे ICICI बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं एक, और बैलेंस इंक्वायरी करके देखते हैं कि हमारे यहां पे कैसा बैलेंस इंक्वायरी हो पाता है। तो यहां पे दोस्तों नॉर्मली हम यहां पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लिए जिस बैंक से हमें AEPS करना है, और यहां पे उसके बाद हम मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहां पे जैसे ही सबमिट करेंगे तो यह हमारा यहां पे एक नया टैब खुल के आएगा, जहां से दोस्तों कि आपको ट्रांजैक्शन का काम करना है। दोस्तों इसका पे आउट कैसे लेना है, ये सारी चीज को मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मॉर्फो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारा डिवाइस, हमारा जो सिस्टम है उसमें मॉर्फो इंस्टॉल है, तो हम यहाँ पे मॉर्फो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है कि आधार नंबर डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से आधार नंबर डाल के और फिर आगे का प्रोसेस फॉलो करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों कि मैंने अपने आधार नंबर डाल दिया है, और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद जो है कि आप बैंक सेलेक्ट में आप देख रहे होंगे कहीं पे टिक मार्क नहीं लगा हुआ है, तो आप सेलेक्ट बैंक पे ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इंडसइंड बैंक का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। उसके बाद जो है दोस्तों कि आपको नॉर्मली यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन पे प्रेस करना होगा, जिस तरह से आप विड्रोवल करते हैं उसी तरह का सेम प्रोसेस है। और नीचे में आप देख रहे होंगे पावर्ड बाई ICICI बैंक, तो जैसे ही आप स्कैन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे मेरा मॉर्फो का लाइट जल चुका है, और यहाँ पे जैसे ही हम फिंगर कैप्चर देंगे तो हमारा वहां पे दिखा देगा फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली, और उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों योर अटेम्प्ट सक्सेसफुल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि मैंने पहले भी ट्राई कर लिया था, इसलिए जो है कि सेम डे आप 2-3 बार बैलेंस इंक्वायरी एक ही बैंक नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों कि यहां पे ये मैसेज दे दिया, और आप अगर फर्स्ट टाइम अगर ऐसा करते हैं तो आपको यहां पे बैलेंस इंक्वायरी हो जाएगा। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं कि कमीशन इसका क्या होने वाला है। तो कमीशन के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहां पे कमीशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं कि इसका कमीशन स्ट्रक्चर क्या है। तो कमीशन स्ट्रक्चर आप जैसा देख पा रहे हो दोस्तों मेरे डिस्प्ले पे शो होने वाला है।
तो ये शो हो चुका है मेरे डिस्प्ले पे, और यहाँ पे प्रिंस पे पॉइंट के नाम से है। तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक का, यस बैंक का, एपीएस कमीशन लिस्ट सारा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल पे आपको 70 रुपए का कमीशन दिया जाता है। अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो यहाँ पे 70 रुपए का कमीशन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो ट्रांजेक्शन, ये जो आपका कमीशन लिस्ट है, ये आप देख लिए होंगे। और इसके बाद जो है दोस्तों कि फिर से हम चलते हैं अपने पोर्टल पे, वहां पे देखते हैं कि वॉलेट से पैसे ट्रांसफर करने के लिए हमारे को क्या ऑप्शन मिलता है। तो इसके लिए दोस्तों आप जैसा देख पा रहे होंगे कि फिर से मैं आ गया हूं कंप्यूटर डिस्प्ले पे, और कंप्यूटर डिस्प्ले पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे एईपीएस पे आउट। तो एईपीएस के पे आउट पर जैसे ही आप जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ से आपको एईपीएस में अगर आपका यहाँ पे बैंक नोट अपडेट योर कॉन्टेक्ट योर एडमिन, तो दोस्तों यहाँ पे इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो है कि डेमो आईडी है, और डेमो आईडी की वजह से ये लिख रहा है यहाँ पे। अभी मैंने अकाउंट लिंक नहीं किया है, डेमो आईडी हम बोले तो ये मैं ट्रायल के लिए लिया था, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा लिख लिया। जब आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो दोस्तों ये आपको यहाँ से पे आउट मिल जाएगा। अब दोस्तों बात रही कि कमीशन की भी हमने बात कर लिया, इसका सारा सर्विसेज को भी मैंने देख लिया। अब जो है कि ये हमें आईडी कहाँ से मिलेगा, तो आईडी मिलने के लिए दोस्तों आपको जो है कि डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा होगा, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है जहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप सोच होंगे कि कॉल करने से पहले आपको आईडी प्राइस जान लेना चाहिए कि आईडी प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आईडी प्राइस है, वो आईडी प्राइस मैं आपको बता दूं, रिटेलर आईडी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, ये तीनों का प्राइस आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होना चाहिए। अब दोस्तों हम आपको प्राइस बता देते हैं कि इसका प्राइस क्या है। दोस्तों इसमें जो है कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर सारे पैनल फ्री है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप सोचेंगे कि लोग यहाँ पे फ्री बोल के और एपीएस फ्री नहीं देते हैं, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि डिस्ट्रीब्यूटर तक का आपका जितना भी एपीएस होगा सारा यहाँ पे फ्री होने वाला है। डिस्ट्रीब्यूटर पैनल लेके आप जितना भी रिटेलर क्रिएट कर सकते हैं वो सारा आईडी आपका फ्री यहाँ पे मिल जाएगा, यानी अनलिमिटेड एपीएस आईडी के साथ आपको ये पोर्टल मिलने वाला है। तो दोस्तों देर किस बात की, आप फटाफट कॉल करिए और अभी आईडी लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 बैंकों का आपको एईपीएस मिलने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आईडी बुक करें। तो दोस्तों यही कुछ अपडेट था जो इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता था। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।